जुगंत थाना क्षेत्र के महलपुर में बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही आई सामने। जुगल थाना क्षेत्र के ग्राम महलपुर में आज करीब एक माह से बिजली की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि यहां का ट्रांसफार्मर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। कारण यह है कि कनेक्शन 30 से 35 है और ट्रांसफार्मर एक है, वो भी 25 के भी, जिसके कारण ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा और जल जा रहा है। यह सिलसिला लगभग एक माह से चल रहा है और इन एक माह के अंदर दो ट्रांसफार्मर बदला जा चुका है और तीसरा अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और जवाब दे दिया। जहां सूबे के मुख्यमंत्री जी का ऐलान है कि शहर में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे की बिजली कर दी गई है, यह फरमान बेअसर दिखाई दे रहा है। जब ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया कि यहाँ की हालत देखते हुए 25 केवी से बड़ा ट्रांसफार्मर दे दीजिए, तो जेई व अन्य अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, जो है उसी में काम चलाइए, अभी हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया है। ऐसे ही बहाना बनाकर बार बार टाल दे रहे हैं। तब आज सभी नाराज ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मोर्चे के खिलाफ राधे श्याम तिवारी, राजीव तिवारी, राजेश तिवारी, पशुपतिनाथ तिवारी, राघवेंद्र तिवारी, रामधनी तिवारी, शिवम, कमल मुन्ना, वीरभद्र, विक्की, रामलोचन आदि ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। राजीव तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? महलपुर, ग्राम महलपुर के। क्या दिक्कत है बिजली की? बिजली की दिक्कत यह है कि 25 केवी का ट्रांसफार्मर यहाँ लोड नहीं ले पा रहा है। हम लोग को 63 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए। तीन महीने से बिजली की बहुत किल्लत हमारे गाँव में है। अधिकारियों को आपने अधिकारियों को हम लोग ने सूचना दिया, जेई को दिया, एक्सीएन को दिया, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। केवल आश्वासन देके दो दिन में हो जाएगा, चार दिन में हो जाएगा, आज तीन महीने से यही कर रहे हैं लोग।